आई एम श्योर आप सर को जानते ही होंगे और ये वीडियो जरूर देखा होगा। स्टॉक मार्केट में खतरे की सबसे बड़ी घंटी बज चुकी है। विक्स इंटरनेशनल विक्स की बात करूं तो 65 के ऊपर जा चुका, विच मींस द शायद मार्केट कहीं पर बहुत बड़ा कोई कोलैप्स या बैंक्रप्सी के हिसाब से प्लान कर रहा है। तो क्लियरली डिक्लेयर कर दिया है कि विक्स 65 के ऊपर जा रहा है और स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाली। तो गाइज मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई करता हूँ और ये बहुत ही गलत इंटरप्रिटेशन है विक्स इंडिकेटर का। एक्चुअली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉजेशन कोरिलेशन पैराडॉक्स की बात है। आइए आपको मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज कीजिए कि आपके पास एक डॉग है, तो एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि हर डॉग के पास चार पैर होंगे ही होंगे। बट अगर किसी चीज के पास चार पैर हैं तो क्या जरूरी है वो डॉग ही हो? वो जिराफ हो सकता है, एलिफेंट हो सकता है, कैट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यही सेम चीज विक्स इंडेक्स के साथ भी है। अगर मार्केट क्रैश करने वाली कंडीशंस में जाएगी तो विक्स इंडेक्स अब ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा ही जाएगा। बट अगर विक्स इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो ये कहीं की गारंटी नहीं है कि स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाली है। विक्स इज जस्ट अ वॉलिटिलिटी इंडिकेटर जो ये दिखाता है कि शायद मार्केट को डर है कि वॉलिटिलिटी बढ़ने वाली है। अब वॉलिटिलिटी ऊपर भी होती है और वो नीचे की साइड में भी हो सकती है, और जब विक्स इंडेक्स कम होता है तो मार्केट एंटिसिपेट करता है शायद वॉलिटिलिटी इतनी नहीं हो। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देख के घबराइए मत कि स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला है, ऐसी कोई इंडिकेशन अभी तो नहीं है। और अगर क्रैश होगा भी वो समय बताएगा। विक्स इंडेक्स इतना कारगर नहीं है या कोई ऐसी होली ग्रेल नहीं है जो बिल्कुल लिख के कह देती है अगर विक्स बढ़ गया तो मार्केट क्रैश होने वाला है। तो फ्रेंड्स आई होप आपकी इस वीडियो के द्वारा नॉलेज जरूर बढ़ी है। प्लीज इस पेज को जरूर फॉलो करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली तक जरूर पहुंचाएं ये वीडियो ताकि लोगों की मिस इन्फॉर्मेशन कम हो।